नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज हम बहुत ज्यादा गंभीर बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे जो होता तो है लेकिन हमें समझ में नहीं आता है। आज हम बात करने वाले हैं पैरालिसिस के बारे में। अब ये होता तो है लेकिन हमें समझ में नहीं आता है। हम किसी को देखते हैं, किसी का सिर्फ हाफ फेस, आधा फेस पे पैरालिसिस मार देता है, जैसे हम बोलते हैं कि उनको पैरालिसिस हो गया है तो हाफ फेस पे हो जाता है। किसी को सिर्फ एक हाथ में होता है, किसी को दोनों हाथ में हो जाता है, किसी को एक हाथ एक पांव में हो जाता है, किसी को सिर्फ दोनों पैर में होता है, किसी को सिर्फ पैरों की उंगलियों में हो जाता है, किसी को सिर्फ वोकल कॉर्ड मतलब जहां से आवाज निकलती है सिर्फ वहां पे पैरालिसिस हो जाती है। तो आखिर ये क्या है? हम जानते तो हैं कि पैरालिसिस क्या होती है लेकिन हम इसको समझते नहीं है। इसके पीछे कारण क्या होता है हमें नहीं पता। अब जब लक्षण आते हैं तब हमें पता लगता है कि अच्छा हमें पैरालिसिस हो गया या फिर किसी को भी पैरालिसिस के कंडीशन लग रहे हैं या फिर उसके चांसेस हमें दिखते हैं। लेकिन आखिर ये क्यों होता है, किस तरह से होता है और आप इसका इलाज किस तरह से करवा सकते हैं, ये ठीक होता भी है या फिर नहीं होता है। तो ये ठीक होता है तो हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे ठीक होता है। तो आज के लेक्चर को हम क्या बोलेंगे, आज के लेक्चर का टॉपिक क्या है? आज के लेक्चर का टॉपिक है पैरालिसिस। तो स्पेलिंग पे भी ध्यान देना है, पैरे PARALYSIS, तो पैरालिसिस। अब पैरालिसिस क्या है? पैरालिसिस का मतलब होता है कि बॉडी में एक ऐसी कंडीशन हो जाना, ऐसी स्थिति उत्पन्न होना जिसमें हम अपने बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अब हमारा बॉडी क्या चीज़ से बना हुआ है? मसल से, मांसपेशियों से। तो मांसपेशियां हमारे कंट्रोल में नहीं होती है तो हम क्या बोल सकते हैं दो शब्द में, पैरालिसिस मतलब इनवॉलेंट्री मसल। मतलब क्या कि मांसपेशियों पे कंट्रोल नहीं, जब कंट्रोल होगा तो हम क्या बोलेंगे, वॉलेंट्री, और कंट्रोल नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, इनवॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, तो पैरालिसिस का मतलब यही है कि हम मसल्स को, मांसपेशियों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अब पैरालिसिस हमने देखा है दो तरह की होती है। अब वो दो तरह की क्या होती है? पहला तो ये कि पहला थोड़ा सा भाग में पैरालिसिस हो जाता है, इसको हम बोल सकते हैं पार्शियल, या फिर दूसरा क्या होता है, कंप्लीट, मतलब पूरे बॉडी में पैरालिसिस हो जाती है। ठीक है, अब पार्शियल का मतलब क्या है? पार्शियल का मतलब होता है आधा। ठीक है, तो आधा का मतलब क्या है कि अगर किसी को पैरालिसिस हो जाती है तो पार्शियल मसल्स कंट्रोल में नहीं है पूरे बॉडी का, लेकिन कुछ पार्ट कंट्रोल में है। जैसे किसी को अगर सिर्फ एक हाथ में पैरालिसिस होती है तो सिर्फ वो हाथ वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, बाकी वो सभी चीजें कंट्रोल कर पाता है। तो एक तरह से क्या हो गया कि पूरे बॉडी में नहीं है, पूरे बॉडी के सिस्टम को वो कंट्रोल कर रहा है, बस एक हाथ बचा हुआ है जिसको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो दो तरह की हमने देख लिया, पार्शियल और कंप्लीट। कंप्लीट में क्या हुआ कि पूरे बॉडी के मसल्स को, मांसपेशियों को कंट्रोल नहीं कर पाया, पूरा बॉडी में पैरालिसिस हो जाता है। तो ये दो कंडीशंस होते हैं। अब यहां पे और दो चीज आते हैं पैरालिसिस में, क्या दो चीज होते हैं? एक वो जिसमें अगर पैरालिसिस मार देता है, अगर पैरालिसिस हो जाता है तो हाथ पूरा लूज हो जाता है। हम किसी को देखते हैं कि अगर उसको पैरालिसिस हो गया तो उसका पूरा हाथ लूज हो गया है, उठ भी नहीं रहा और वो पूरा लूज है, बहुत सॉफ्ट सा हो गया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अब ये कंडीशन तो है पैरालिसिस के ही। अब देखिए पैरालिसिस, अब मैं बताऊंगी कि डिवीजन कैसे करते हैं इसका, पैरालिसिस। ठीक है, तो पहला क्या था? पहला है फ्लेसिड। अब फ्लेसिड का मतलब ये होता है कि पूरा सॉफ्ट हो जाना, मतलब फ्लैबी मसल्स। फ्लैबी का क्या मतलब होता है? FLABBY। फ्लैबी का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाना और पूरा लटक जाता है, वो स्किन देखने से ही लगता है कि वो पूरा लूज हो गया है। ऐसे अगर हमारा मसल्स को देखे, मांसपेशियों को देखे तो क्या है, बहुत टाइट है, लेकिन पैरालिसिस में बहुत लूज और बहुत सॉफ्ट हो जाता है और छूने से भी, हमें देखने से भी हमें लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैसिड। दूसरा क्या होता है? स्पैस्टिक। स्पैस्टिक का मतलब होता है कि वो पैरालिसिस उसको हो गई है लेकिन दिखने में बहुत टाइट लगा। जैसे हम देखते हैं कि पैरालिसिस में बहुत सारे लोगों की, जहां पे अगर मान ली कि हाथ में पैरालिसिस है तो वो अकड़ जाता है, वो अकड़ करके टेढ़ा हो जाता है, तो जब वो मुड़ जाता है अकड़ करके तो बहुत टाइट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, उसको भी हम बोलते हैं कि वो पैरालिसिस हो गया। तो दो तरह की पैरालिसिस होती है, पहला तो बॉडी के किसी आधे भाग में हो जाए जिसको हमने बोला पार्शियल, और दूसरा पूरे बॉडी में हो जाए जिसको हमने बोला कंप्लीट। तो ये अलग बात है कि आपके बॉडी में कितने पार्ट, आपका बॉडी का कितना भाग
पैरालिसिस से ग्रसित है। दूसरा क्या होता है कि एक लटका हुआ वो होता है और एक बहुत टाइट हो जाता है। टाइट में क्या होता है कि बहुत मतलब क्या होता है यहाँ पे जर्क होता है, जैसे मसल्स है वो पूरा अचानक से हल्का हल्का हिलने लगता है, बहुत टाइट हो जाता है और हल्का हल्का उसमें मूवमेंट होता है या फिर कभी कभी खुद ही वो उसमें मूवमेंट होने लगती है। मतलब उस पर कंट्रोल नहीं है लेकिन वो बहुत टाइट है। तो जब टाइट होगी तो स्पेसिफिक, और जब बहुत सॉफ्ट होगी पैरालिसिस जब लग जाएगा और बहुत वो लटक जाएगी तो हम क्या बोलेंगे, फ्लैसिड बोलेंगे। तो यहाँ पे दो तरह की होगी। अब ये क्यों होती है, अब ये वाली जो कंडीशन है एक टाइट और एक लूज ऐसी क्यों होती है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है हमारे ब्रेन में डैमेज हो जाता है कुछ ना कुछ। तो जब ब्रेन में डैमेज होता है तब ऐसी कंडीशन है, मतलब क्या कर सकते हैं हम, ब्रेन इंजरी हम इसको कह सकते हैं। मतलब ब्रेन में जब डैमेज हो जाए, ब्रेन में कुछ गड़बड़ी हो जाए और ब्रेन सिग्नल नहीं भेज पाता है हमारे मांसपेशियों को, तब ऐसी कंडीशन होती है, या तो टाइट या फिर लूज हो जाती है। तो ये दो प्रकार की होती है। अब हमने ये समझ लिया, तो अब हम ये देख लेते हैं कि आखिर और क्या क्या चीजें होती है। पहला तो ये कि या तो पूरे बॉडी में वो पैरालिसिस हो जाए या फिर हाफ बॉडी में हो। दूसरा ये कि बॉडी का जब पैरालिसिस हो उसको तो वो लूज हो जाए कोई भी पार्ट जहां पे होता है, या फिर वो बहुत टाइट हो जाए मतलब वो पूरा अकड़ जाए। ये तरह की दो कंडीशन होती है। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा होता है कि बॉडी में या तो सिर्फ फेस पे पैरालिसिस हो सकता है, या फिर एक हाथ में, या फिर दोनों हाथ में, या फिर दोनों पैर में, या फिर पूरे बॉडी में सिर्फ नेक पे, मतलब गर्दन से पूरा नीचे पैरालिसिस मार चुका है उस पेशेंट को और सिर्फ उसका फेस काम कर रहा है, सिर्फ वो बोल पा रहा है या फिर बोलने में भी उसको दिक्कत होती है। तो ये सब क्या है, तो देखिए एरिया के हिसाब से, मतलब बॉडी में जहां जहां पैरालिसिस हो जाती है उसके हिसाब से भी हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, पहला क्या था, पहला था कि पूरे बॉडी में या फिर कंप्लीट या फिर पार्शियल कंप्लीट। दूसरा क्या था कि ब्रेन में डैमेज होने के कारण। अब तीसरा क्या है कि कहां कहां एरिया के हिसाब से। अब एरिया के हिसाब से क्या होता है, पहला होता है लोकलाइज्ड मतलब क्या होता है कि थोड़े से एरिया में, पूरे बॉडी में नहीं थोड़े से एरिया में। और दूसरा क्या होता है जनरलाइज, मतलब ये पूरे बॉडी में हो जाती है जनरलाइज्ड। देखिए लोकलाइज का मतलब क्या होता है, इसमें कहाँ कहाँ पैरालिसिस मार देता है। तो पहला होता है फेस, दूसरा होता है वोकल कॉर्ड्स, अभी मैं बताऊंगी क्या होता है ये, तीसरा क्या होता है हैंड्स हाथ में, चौथा क्या होता है फीट। देखिए तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो लोकलाइज्ड होता है इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं कि ये कुछ एरिया को प्रभावित करता है, मतलब सिमट करके रहता है। ये वाली जो पैरालिसिस होती है इसमें कुछ भाग ही अफेक्ट होते हैं। तो कौन से भाग होते हैं कि इसमें फेस को ये अफेक्ट करता है। लोकलाइज मतलब एक ही एरिया में सिमट करके वो पैरालिसिस रहता है। फेस मतलब हाफ फेस पे क्या होती है, मसल्स वीक हो जाती है पूरी तरह से, जो कंट्रोल है वो खत्म नहीं होता है, मसल्स वीक हो जाती है जिसके कारण वो कंट्रोल नहीं कर पाता है अपने मसल्स को, ऐसे ऐसे ये हिलने लगता है। तो फेस में हल्की सी जर्क आती है जिसको हम बोलते हैं JERK के जर्क, मतलब क्या होता है खुद पे खुद हिलने लगना। तो फेस हल्का हल्का सा ऐसे मूवमेंट होने लगता है खुद पे खुद ही, और ये हाफ फेस पे हो जाती है, पूरे फेस पे एक साथ नहीं होती है। ठीक है, वोकल कॉर्ड्स मतलब जहां से आवाज निकलता है, कहां से निकलता है, यहां से आवाज निकलता है। तो जब यहां से आवाज निकलता है तो यहां से क्या होती है, इसमें पैरालिसिस हो जाती है जिसके कारण आवाज निकलना बंद हो जाता है, और ये सिर्फ वोकल कॉर्ड्स तक ही सीमित रहता है। इसके बाद क्या है, हैंड्स का मतलब सिर्फ इस वाले पोर्शन में, इस वाला एरिया में, जो सिर्फ हाथ है जो हम काम करते हैं सिर्फ इस हाथ में हो जाता है। फीट मतलब सिर्फ पांव में, जैसे कि हम बोलते हैं ये पाम हो गया, और नीचे जो तलवा होता है उसको हम बोलते हैं सोल। तो पैर में जैसे हाथ है वैसे ही पैर में हो जाता है। तो पैरालिसिस क्या हुआ, लोकलाइज्ड, थोड़े से एरिया में सिमट करके रह गया। लेकिन एक और है, दूसरा क्या है, जनरलाइज्ड पैरालिसिस। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखिए अब इसमें भी क्या है, इसमें पूरे बॉडी में हो जाती है। तो पूरे बॉडी में कैसे कैसे होती है, तो इसको भी हमने कैटेगराइज्ड कर दिया, इसको भी हमने डिवाइड कर दिया है। क्यों, क्योंकि पूरे बॉडी में कभी एक हाथ में, कभी दोनों पैर में, कभी पूरे बॉडी में, कभी सिर्फ गर्दन के पूरे नीचे में, कभी सिर्फ टो में हो जाती है। तो ये क्या होता है, पहला देखिए इसको कैटेगराइज कैसे करते हैं। पहला देखिए डायप्लेजिया, अभी मैं बताऊंगी कि ये क्या है। ठीक है, पहला क्या है डायप्लेजिया, दूसरा क्या है हेमीप्लेजिया, ये सबको याद रखना है हेमीप्लेजिया, तीसरा क्या है मोनोप्लेजिया, चौथा क्या है डायप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, मोनोप्लेजिया, पैराप्लेजिया, और पांचवा क्या है क्वाड्री
प्लेजिया, या फिर हम इसको बोल सकते हैं टेट्रा प्लेजिया। ठीक है, तो देखिए डी एच एम पी क्यू क्या बन गया, इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में करेंगे डी एच एम पी क्यू क्या हो गया, देखिए ये आपको ये वाला चीज याद रखना है डी एच एम पी क्यू। हम कैसे याद करेंगे डी एच एम पी क्यू, तो ये क्या है, अब इसमें देखिए डायप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, मोनोप्लेजिया, पैराप्लेजिया और क्वाड्रीप्लेजिया, जिसको हम क्या बोलते हैं टेट्राप्लेजिया। अब देखिए पैरालिसिस है, तो पैरालिसिस में डिवाइड जब हम करेंगे तो लास्ट में सब में क्या लगा, प्लेजिया 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 प्लेजिया, मतलब पैरालिसिस हो गया। अब पैरालिसिस कितने प्रकार की हो गई, मतलब बॉडी में कहां कहां किस किस एरिया में हो रही है, देखिए डायप्लेजिया, डायप्लेजिया का मतलब होता है डाय मतलब दो, मतलब अगर कहीं भी पैरालिसिस होगी तो दोनों पार्ट में होगी, अगर फेस में होगी तो दोनों फेस के दोनों साइड, इसमें क्या था फेस का सिर्फ हाफ साइड था, तो डाय है मतलब, डाय मतलब दो, तो कहीं भी जब पैरालिसिस होगी तो दोनों पार्ट में हो जाएगी, दोनों फेस में, मतलब हाफ इस साइड भी हो जाएगी और हाफ इस साइड भी हो जाएगी। ठीक है, अगर हाथ में होगा तो दोनों हाथ में, अगर पांव में होगा तो दोनों पांव में, ऐसे होता है। हेमीप्लेजिया इसमें क्या होता है, इसमें एक हाथ एक पांव में, इधर एक हाथ एक पांव में, मतलब एक ही साइड के हाथ पांव में साथ में पैरालिसिस हो जाती है। ठीक है, मोनोप्लेजिया में सिर्फ एक हाथ में हो सकता है या फिर सिर्फ एक पैर में हो सकता है, ऐसा होता है, मोनो मतलब एक होता है, तो सिर्फ एक ही पार्ट में होगा, सिर्फ एक हाथ में हो जाएगा कहीं भी या फिर एक पांव में हो जाएगा। ठीक है, पैराप्लेजिया, अब पैराप्लेजिया का मतलब क्या है कि आपके कमर के नीचे दोनों पैर है उनमें होगा सो होगा, आपके उंगलियों में भी हो जाएगा, आपके सोल में भी हो जाएगा, आपके तलवे में भी पैरालिसिस मार देता है, तो जब दोनों पांव में, कमर के नीचे दोनों पांव में आपस में एक साथ जब पैरालिसिस मार देता है, जब पैरालिसिस हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैराप्लेजिया। ठीक है, अब देखिए क्वाड्रीप्लेजिया, अब इसमें क्या होता है, इसमें गर्दन से नीचे पूरे बॉडी में पैरालिसिस हो जाती है। क्वाड्री मतलब क्या होता है, क्वाड्री मतलब ऐसे देखे तो हम पूरे बॉडी में हो जाती है, जिसको हम बोल सकते हैं टेट्राप्लेजिया। तो इस तरह से हम एरिया के हिसाब से इसको डिवाइड कर देते हैं कि पूरे बॉडी में किस तरह से होती है। अब डाय में क्या हुआ, डाय में दोनों पोर्शन में साथ में हुआ, हेमी में क्या हुआ, एक पांव एक हाथ, एक पांव एक हाथ एक साइड का, दोनों साइड का मतलब सेम सेम साइड का में हो जाएगा, जैसे अगर इस हाथ में हुआ तो इस वाले पांव में होगा, इस हाथ में हुआ तो इस वाले पांव में पैरालिसिस अटैक करेगा। ठीक है, मोनो में सिर्फ एक में मारा, पैरा में क्या हो गया कि कमर के नीचे दोनों पैर में हो गया और उसके बाद तलवों में भी हो गया, साथ में हो जाता है। क्वाड्री में गर्दन के नीचे पूरे बॉडी में पैरालिसिस हो जाती है, और साथ ही क्या होता है कि पैराप्लेजिया में यहाँ पे दोनों पांव के साथ साथ आपके पेट वाले हिस्से में, मतलब बीच वाला जो धड़ होता है हमारा, उसमें भी पैरालिसिस हो जाती है, तो उसको भी हम पैराप्लेजिया में रखते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि पैरालिसिस को हम दो चीजों में डिवाइड कर सकते हैं, कैसे, एरिया के हिसाब से, कैसे कैसे पैरालिसिस मारता है, कैसे कैसे पैरालिसिस के अटैक होते हैं। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि उसको लकवा मार गया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि पैरालिसिस हो गई है, तो उसको हम इस तरह से डिवाइड करते हैं। और आप ये चीज याद रखें कि जनरलाइज में क्या होती है, डी एच एम पी क्यू, तो ये चीज याद रखें डी एच एम पी क्यू, इस तरह से जब आप याद करेंगे तो आपको याद करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो अब इसका कारण क्या है, अगर हम देखें कि पैरालिसिस के अटैक होते हैं, अगर किसी को लकवा मार देता है तो आखिर कारण क्या होता है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, तो उसको हम लिखेंगे कॉजेस, क्या क्या है, मतलब क्या क्या कारण है जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो कॉजेस में सबसे पहला क्या हो गया, सबसे पहला हो गया बर्थ डिफेक्ट, या तो जन्म से ही प्रॉब्लम है, बर्थ डिफेक्ट। अब बर्थ डिफेक्ट्स में क्या क्या आते हैं, बर्थ डिफेक्ट्स में या तो जन्म से ही प्रॉब्लम है बच्चों को, तभी ऐसी चीजें हुई हैं। स्पेशली पैरालिसिस कब होते हैं, जब उसकी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, मतलब जो रीढ़ की हड्डियां हैं, वो अगर उसमें चोट लग जाए, उसमें अगर डैमेज हो जाए, वो अगर सही से काम ना करे, उसकी वजह से पैरालिसिस हो जाते हैं। क्योंकि जो हमारा ब्रेन है और जो हमारा रीढ़ की हड्डी है, जिसको हमने बोला स्पाइनल कॉर्ड, दोनों साथ मिलकर के काम करते हैं। जब ब्रेन कोई ऑर्डर देता है तो उसमें बहुत सारी नसें होती है, जब क्या करता है ब्रेन, जब ऑर्डर देता है तो वो ऑर्डर स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी के थ्रू पूरे भाग में, बॉडी के फैलता है, पूरे अंगों तक जाता है। क्योंकि उसमें क्या है, उसमें बहुत सारी तंत्रिका तंत्र है, जिसको हम बोलते हैं नर्व सेल्स, क्या बोलते हैं, नर्व्स
सेल्स, तो हम बोलते हैं नर्व्स डैमेज हो गया है। तो नर्व सेल्स जब होते हैं तो उसी के कारण क्या होते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस है, जो भी ऑर्डर है, जो भी सूचना है, वो ब्रेन देता है और फिर रीढ़ की हड्डी के माध्यम से वो पूरे अंगों तक फैल जाता है। ठीक है, तो इस तरह क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड में अगर प्रॉब्लम हो जाए, ब्रेन में प्रॉब्लम होती है तब भी ये हो जाता है, तब भी लकवा मार सकता है, और अगर स्पाइनल कॉर्ड में अगर प्रॉब्लम हो जाए तब भी ये चीज़ें हो सकती है। एक ये होता है कि अगर स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो जाए, अगर उसमें चोट लग जाए, तो वो स्पाइनल कॉर्ड खुद पे खुद ठीक नहीं होती है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड एक बार माँ के जब पेट में बच्चे में जब बनने लगता है उसके बाद वो उसका विकास होता है, वो जब भी उसमें चोट लग जाएगा तो वो खुद को ठीक नहीं कर सकता है। तो जब बर्थ डिफेक्ट हो जाता है, जैसे कि क्या हुआ स्पाइना, इसका एग्जांपल क्या है वी फिडा, स्पाइनल विफडा एक बीमारी है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड बच्चे की रीढ़ की हड्डी सही से डेवलप नहीं कर पाती है, उसका सही से विकास माँ के पेट में जब नहीं होता है तो उस बच्चे में ये प्रॉब्लम होती है, उसका कोई अंग काम नहीं करता है और बहुत सारे अंगों को वो कंट्रोल नहीं कर सकता, जिसको हम क्या बोलते हैं वॉलेंट्री कंट्रोल, वो नहीं कर सकता है, अपनी इच्छा के अनुसार उस मसल्स को उस मांसपेशियों को वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो पहला कारण क्या है बर्थ डिफेक्ट, ठीक है, जिसमें हमने क्या देखा स्पाइना वाइफिडा। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा अगर ब्रेन इंजरी हो जाए, अगर आपके दिमाग में चोट लग जाए या फिर किसी कारणवश किसी बीमारी के कारण आपका जो नर्व सेल्स है, जो आपकी तंत्रिका तंत्र है बॉडी में, जो आपकी सेल्स है जो कि इंफॉर्मेशन को पहुंचाती है, अगर वो डैमेज हो जाए तो इसमें क्या होता है, अब देखिए जब ब्रेन इंजरी हो गई है तो क्या होगा, जब ब्रेन में चोट लग गया तो वो सिग्नल नहीं दे पाएगी सही से। ब्रेन इंजरी में फिर क्या होती है, ब्रेन इंजरी में मतलब क्या है, ब्रेन में डैमेज हो गई है तो इसका एक एग्जाम्पल है जिसको हम बोलते हैं सेरेब्रल पैल्सी। जो सेरेब्रम होता है वो हमारे ब्रेन में मौजूद होता है, अब इसका नाम है तो इसको आपको याद ना पड़ेगा। पैल्सी का मतलब क्या होता है, पैल्सी का मतलब होता है कि ब्रेन में थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो गई है जिसके कारण वो अपने मसल्स को अपनी मांसपेशियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। वो उसको कैसे बैठना है, जैसे कि अगर हम सोचते हैं कि हमें इस तरह बैठना है, इस तरह हमें खड़ा होना है, तो हम ये कर पाते हैं, मतलब क्या ये एक पोस्चर है, तो हम अपनी मर्जी के अनुसार एक पोस्चर को बना सकते हैं और अपनी मर्जी के अनुसार फिर हम उठ करके खड़े हो सकते हैं, चल सकते हैं। तो जिस बच्चे में ये प्रॉब्लम होती है वो बच्चा ना सही से बैठ पाता है, ना सही से उठ पाता है, ना सही से अपने हाथ के मूवमेंट को कर पाता है जो नॉर्मली हम सभी करते हैं। तो इसका मतलब होता है सेरेब्रल पैल्सी, मतलब ब्रेन में दिक्कत है, उसको चलने में, उसको फिरने में, उसको सही से बैठने में, एक पोस्चर को धारण करने में उसको दिक्कत हो रही है, तो उस बच्चे में ये प्रॉब्लम होती है। तीसरा क्या है स्ट्रोक्स, स्ट्रोक्स का मतलब होता है कि ब्रेन में ब्लड की सप्लाई बहुत कम हो रही है या फिर जो ब्लड सप्लाई है वो ब्लड सप्लाई होना ही बंद हो गई है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक, जिसकी वजह से ब्रेन सही से काम नहीं करता। और जब ब्रेन सही से काम नहीं करेगा, मतलब यहां से सिग्नल यहां तक या फिर बॉडी के अन्य अंगों तक सही से नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से लकवा के चांसेस होते हैं या फिर पैरालिसिस उसको मार देती है, उसको लग जाती है। उसके बाद क्या है ऑटो इम्यून डिजीज, इसका मतलब क्या है, बॉडी खुद पे खुद बीमारी पैदा करती है, मतलब बॉडी में ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जिसमें खुद का कोई कोशिका, खुद की कोई चीज़ खुद पे ही अटैक करने लगती है, मतलब बॉडी अपने बॉडी को ही, मेरा बॉडी मेरे ही बॉडी को दुश्मन समझ बैठ के उस पर अटैक करने लगता है, उसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो मतलब खुद पे खुद, और इम्यून मतलब क्या होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, तो जो हमारी क्षमता है वो खुद हमारे बॉडी को दुश्मन मान करके उस पर अटैक करती है, ठीक है। उसमें क्या है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MS बोल सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो ब्रेन होती है, मतलब प्रॉब्लम तो ब्रेन में है, अब इसमें भी प्रॉब्लम ब्रेन में है। ब्रेन में क्या होता है, ब्रेन में जो सिग्नल भेजने वाली जो कोशिका होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इस तरह होती है तारा टाइप की, ठीक है, इस तरह होती है, तो ये बहुत सारी होती है और इस तरह इसमें निकला होता है, तो जैसे सिग्नल आ जाता है वैसे ही देखिए इस तरह होती है, और ऐसी ब्रेन में बहुत सारी है, तो इसको हम बोलते हैं न्यूरॉन, क्या बोलते हैं न्यूरॉन, और स्पेलिंग क्या होती है NEURONE, ठीक है न्यूरॉन। एक किडनी में होती है, किडनी में कैसी होती है, इस तरह यू टाइप की और कप टाइप की होती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन, NEPHRONE, ठीक है, तो नेफ्रॉन और न्यूरॉन में कंफ्यूज नहीं होना है, तो न्यूरॉन होती है ब्रेन में और नेफ्रॉन होती है किडनी में, तो ब्रेन की बात हो रही है तो इसमें क्या होगा ऑटो इम्यून डिजीज हो गया और उसमें भी MS हो गई है, मतलब मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसमें ये वाली जो कोशिका है, ये वाली कोशिका के ऊपर एक
हल्का सा पतला सा झिल्ली होता है इसके के ऊपर जो इसको बचा करके रखता है। जैसे कि अगर हमारा स्किन है तो पतला सा स्किन पूरे बॉडी पर छाया हुआ है और ये हमें धूप से, ये हमें कोई बैक्टीरिया से बचाने का काम करता है। ठीक है, स्किन क्या है, उसकी एनाटॉमी क्या है, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी लेक्चर ले चुकी हूँ, तो आप जाकर के उस वाले लेक्चर को देख सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि ये जो कोशिका है इसके ऊपर इसको रक्षा करने के लिए एक पतली सी परत है, उस पतली सी परत को इसमें क्या करता है, हमारा बॉडी ही खाने लगता है। तो जब ये परत ही नष्ट हो जाएगी, इसका मतलब क्या है कि इसको बचाने वाला कोई नहीं होगा और धीरे धीरे ये भी नष्ट हो जाएगी, मतलब अपना काम सही से नहीं करेगी। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में यही होता है, जो कोशिका होती है, जो न्यूरॉन होती है, उसके ऊपर की जो परत होती है वो हमारा बॉडी ही खाने लगता है, हमारा इम्यून सिस्टम ही खाने लगता है। ठीक है, दूसरा क्या है, गुइलेन बेल सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम यही होता है कि हमारा बॉडी हमारे ही बॉडी पे अटैक करने लगता है, हमारे ही इस न्यूरॉन पे अटैक करके इसको डैमेज कर देता है। तो प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम ब्रेन में है, और इस बार प्रॉब्लम कौन बना रहा है, इस बार प्रॉब्लम क्रिएट कौन कर रहा है, हमारा बॉडी ही हमारे ब्रेन को डैमेज करते जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, जिसकी वजह से पैरालिसिस हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज। मतलब अब न्यूरोलॉजिकल में क्या है, देखिए एमायोट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, इसमें सेम यही होता है कि ब्रेन में ये वाली जो चीज है वो फिर खराब होने लगती है, डैमेज होने लगती है। मतलब समझे कि न्यूरोलॉजिकल मतलब न्यूरॉन्स में प्रॉब्लम है। ठीक है, इसमें क्या था, ऑटो इम्यून, मतलब हमारा बॉडी इसको डैमेज करा था इसलिए हमने बोला ऑटो इम्यून। तो कारण इतने सारे हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। स्पेशली ये होता है कि आपके अगर ब्रेन में, अगर बाहर से कारण देखें तो आपके ब्रेन में और आपकी रीढ़ की हड्डियों में अगर चोट लग जाता है तो उस वजह से पैरालिसिस के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपका जो रीढ़ का हड्डी है और जो ब्रेन है, जो सूचना पहुंचाने वाला काम, यही दोनों चीज़ करते हैं, यही दोनों मेन काम करते हैं, उसके बाद सभी अंगों को सूचना जाता है, उसके बाद आपके ब्रेन तक भी सूचना स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से ही आता है। तो आपको स्पाइनल कॉर्ड को बचा के रखना है। तो ये सभी कारण होते हैं जिसकी वजह से लकवा के चांसेस हो जाते हैं। किसी को अगर पैरालिसिस हो गया तो लक्षण क्या क्या आते हैं, हमें देखने से ही मालूम चल जाता है कि वो व्यक्ति अपने मसल्स को, अपनी मांसपेशियों को कंट्रोल नहीं कर रहा है। उसका मन है हाथ उठाने का लेकिन उस एरिया में क्या है, पैरालिसिस है, तो वो हाथ नहीं उठा सकता है। उसका मन है चलने का लेकिन दोनों पैरों में पैरालिसिस है तो वो चल नहीं सकता है। इसके अलावा सांस लेने में दिक्कत होती है, इसके अलावा खाने को निगलने में दिक्कत होती है, जिसको हम मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, मेडिकल टर्म में हम बोलते हैं डिसफेजिया। क्या बोलते हैं, डिसफेजिया। ठीक है, अब ये मेरा जी है तो इसको आप समझिएगा, डिसफेजिया, खाने में अगर प्रॉब्लम होती है। साथ ही यूरिन सही से पास नहीं कर पाता है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, उसको सही से पाचन की क्रिया नहीं होती है, क्योंकि अगर बॉडी में मूवमेंट नहीं होगा तो पाचन की क्रिया कहीं ना कहीं अफेक्ट होगी, यूरिन सही से पास नहीं कर पाएगा। साथ ही उसको बहुत डिप्रेशन टाइप का फील होगा, एंग्जाइटी, मतलब उसको चिंता रहेगा, चिंता तो रहेगा ही, क्योंकि बॉडी का अगर कोई एक भी चीज़ थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाए तो हमें बहुत अजीब लगता है, हमें लगता है ये नॉर्मल है ही नहीं, तो उसको बहुत एंग्जाइटी, उसको डिप्रेशन हो सकता है। तो ये सभी लक्षण उस पेशेंट में हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कंफर्म कैसे करते हैं कि अगर किसी को पैरालिसिस है तो कंफर्म कैसे करेंगे, पहला क्या है, पहला हम एक्सरे कर सकते हैं। ठीक है, डायग्नोसिस, तो डायग्नोसिस में क्या क्या होते हैं, या फिर हम इसको डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन भी बोल सकते हैं। तो पहला क्या है, पहला हम एक्सरे कर सकते हैं उस व्यक्ति का, एक्सरे। ठीक है, दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा हम सीटी स्कैन कर सकते हैं। अब सीटी स्कैन हम किसका करेंगे, सीटी स्कैन जनरली हमें ब्रेन का करना है और हमें अपनी स्पाइनल कॉर्ड की करनी है, या फिर अगर किसी को प्रॉब्लम है उसके स्पाइनल कॉर्ड की करनी है, मतलब रीढ़ की हड्डी और ब्रेन, क्योंकि प्रॉब्लम अगर दोनों में होंगी तो दिक्कत हो सकती है, तो पैरालिसिस हो सकता है। तो ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड की हम क्या करेंगे, सीटी स्कैन। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ ब्रेन और दूसरा यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड। तीसरा क्या है, तीसरा हम देख लेते हैं माइलोग्राम। अब माइलोग्राम में क्या होता है, माइलोग्राम के माध्यम से हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बहुत अच्छे से देखते हैं और पैरालिसिस के केस में ये वाला चीज़ करते हैं, ये वाली हम क्या करते हैं, ये वाली हम प्रोसेस करते हैं। ठीक है, चौथा क्या है, चौथा होता है इलेक्ट्रोमायोग्राम।
इलेक्ट्रोमायोग्राम, इसकी सहायता से भी हम ये चेक कर सकते हैं कि ब्रेन में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, और ब्रेन में प्रॉब्लम है तो कौन सी प्रॉब्लम है, तो हम इसकी सहायता से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम बायोप्सी भी कर सकते हैं अगर चाहे तो। इसके अलावा हम एक और चीज़ कर सकते हैं, छठा क्या है, छठा होता है स्पाइनल टैप। अब स्पाइनल टैप का मतलब क्या है, देखिए स्पाइनल टैप का मतलब होता है लंबर पंचर। अब लंबर क्या होता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है पंचर, तो कमर के पास जो पांच रीढ़ की हड्डी होती है उस पांचों का साथ में क्या नाम है, लंबर नाम है, ठीक है। तो पांचों में से अगर उसकी जो फ्लूइड होती है स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी में एक पदार्थ पाई जाती है जो कि फ्लूइड की तरह होती है, हल्की सी तरल होती है, लिक्विड होती है, उसको निकाल करके हम चेक करते हैं कि वहाँ पे कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, क्या वहाँ के एरिया में कोई सूजन है, अगर सूजन है तो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई वायरल इन्फेक्शन तो नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइनल टैप बोलते हैं, ठीक है। इसके सहायता से हम चेक कर सकते हैं कि अगर रीढ़ की हड्डी में इन्फेक्शन है जिसकी वजह से रीढ़ की हड्डी खराब हो रही है, जिसकी वजह से वहाँ मौजूद सभी नर्व्स भी खराब हो रहे हैं, सभी कोशिकाएं भी खराब हो रही है, तो किस कारण की वजह से हो रही है, आखिर एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है रीढ़ की हड्डी में, ठीक है, तो उसको हम स्पाइनल टैब बोलते हैं। तो इन सभी के कारण हम क्या पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति को पैरालिसिस अगर हुआ है तो वो किस कारण की वजह से हुआ है। कारण बहुत सारे होते हैं लेकिन एग्जैक्ट कारण क्या है, इसीलिए हम इतने सारे प्रोसेस करते हैं। अब ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं, बहुत सारे सामान आते हैं पैरालाइज्ड पीपल के लिए। अब वो क्या क्या सामान होते हैं, बहुत सारा, मतलब समझिए कि ब्रश हो सकता है या फिर डेली जैसे हो सकता है उनके लिए अलग से जो मोबाइल फोन है तो उनका सिस्टम अलग कर देते हैं, या फिर कंप्यूटर्स होता है जिसके लिए, या फिर एक डंडा होता है जिससे वो लाइट ऑन या ऑफ कर सकते हैं, व्हीलचेयर होता है, तो ये सभी चीजें क्या उनकी सुविधा के लिए है। अब आपने बहुत सारे लोगों को दिया होगा कि जब उनको सॉक्स पहनना है, अगर वो पैरालाइज्ड है तो सॉक्स पहनने के लिए एक छड़ी आती है जो थोड़ा सा नीचे से मुड़ी होती है, तो बहुत सारे सामान आते हैं उन लोगों के लिए ताकि उनका जो जीवन है वो आसान हो सके, वो अपने काम खुद पे खुद कर सके। लेकिन एक प्रॉब्लम यहां पे ये है कि अगर बॉडी के पूरे पार्ट में, अगर पूरे एरिया में पैरालिसिस हो गया है जो कि परमानेंट है, अब वो ठीक नहीं हो सकता है, तो वो कभी भी वापस से कोई भी मेडिसिन से ठीक नहीं होगा। पैरालाइज्ड लोगों में ये देखा गया है कि अगर उनको हाफ एरिया में पैरालिसिस है, जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं फेस का, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेल्स पैल्सी, क्या बोलते हैं, बेल्स पैल्सी, जिसमें चेहरे के आधे भाग में जो मांसपेशियां होती है वो बहुत कमजोर हो जाती है और अक्सर उसमें क्या होती है, वो खुद पे खुद इसमें मूवमेंट होने लगती है, तो उसको वो कंट्रोल नहीं कर रहा है, लेकिन ये खुद पे खुद ठीक हो सकती है, कभी कभी विदाउट ट्रीटमेंट से भी ये ठीक हो जाती है समय के साथ। लेकिन अगर परमानेंट है, अगर पैरालिसिस है और स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में इंजरी हो गई है, ब्रेन में चोट लग गई है, स्पाइनल कॉर्ड पूरी तरह से डैमेज हो गई, तो वो क्या हो गया, वो परमानेंट पैरालिसिस हो गया, तो वो कोई भी मेडिसिन से ठीक नहीं होगी। अब बहुत सारे सामान आते हैं उसकी वजह से उन लोगों का जीवन आसान बनाया जा सकता है, लेकिन परमानेंट पैरालिसिस ठीक नहीं होती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप बात करेंगे कि पैरालिसिस ना हो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आपको अपने ब्रेन का ख्याल रखना है। ब्रेन का ख्याल कैसे, अगर आप जाते हैं बाइक से या फिर अगर आप कार से कहीं जाते हैं तो आपको सीट बेल्ट बांधना है, हेलमेट लगाना है, व्यायाम करना है। इसके अलावा अगर बॉडी में कहीं भी प्रॉब्लम है जिससे आपको लगता है कि स्पाइनल कॉर्ड आपका जल्दी खराब हो जाएगा उस बीमारी से, तो पहले आपको वो बीमारी को ठीक करवा लेना है ताकि स्पाइनल कॉर्ड खराब ना हो। अगर स्पाइनल कॉर्ड खराब होने लगता है तो पैरालिसिस जल्दी आ सकता है, पैरालिसिस के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम बचाव कर सकते हैं। रीढ़ की हड्डियों में चोट नहीं लगना चाहिए, आपके ब्रेन में चोट नहीं लगना चाहिए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपनी रीढ़ की हड्डी और अपने ब्रेन का ख्याल रख सकते हैं, उसको हम बचा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।